और इस बीच उज्जैन से एक बड़ी जानकारी, बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, बीजेपी नेता की पत्नी की भी हत्या हुई है, लूटपाट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, यह आशंका। तो लूटपाट के इरादे से बदमाश आए हुए थे और बीजेपी नेता साथ ही उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई और देवास रोड के पास पिपलोदा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक बड़ा घटनाक्रम, बड़ी वारदात, बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गई। और बता दें कि कुछ घंटे पहले ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां भी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या का मुख्य कारण क्या है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार क्या कोई पुरानी रंजिश है, कोई विवाद है या फिर लूटपाट के इरादे से बदमाश आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ देर पहले का पूरा घटनाक्रम और आसपास अच्छी खासी भीड़ लग चुकी है, लोग पहुंच चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताजी तस्वीरें उज्जैन की, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो उज्जैन की एक और आपराधिक घटना, हालांकि पुष्टि होना भी बाकी है, लूटपाट के इरादे से ही हत्या की गई है। चूंकि बीजेपी नेता है, ताल्लुक किसी पार्टी से, तो राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है, अब ये पता लगाना पुलिस का काम। हालांकि प्रयासरत है पुलिस, आसपास लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि क्या लूटपाट की वारदात का विरोध करने पर बदमाशों ने ही मौत के घाट उतारा है, ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से जारी। डबल मर्डर के चलते उज्जैन में सनसनी भी, आसपास आप देखिए लोगों का जमावड़ा, सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में। इस घटना को लेकर पुलिस भी पड़ोसियों से पूछताछ का प्रयास कर रही है और ये भी पता लगाने का प्रयास कि पहले कहीं कोई विवाद तो नहीं हुआ, क्योंकि इस ओर सबसे ज्यादा आशंका होती है कि राजनीतिक रंजिश के चलते हो सकता है कि वारदात की गई हो। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस दौरान कई सारे विवादास्पद चीजें होती हैं इर्द गिर्द, और अब जांच ये भी कि क्या इसे लूटपाट की तस्वीर दिखाने की कोशिश है या फिर कोई पुरानी रंजिश, कोई विवाद जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। और बड़े असमंजस में इस वक्त ये पूरा मामला है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। आसपास बात करने की कोशिश, जानकारी जुटाने की कोशिश कि आखिरकार बीजेपी नेता की हत्या और साथ ही उनकी पत्नी की भी हत्या और चौंकाने वाला मामला है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लूटपाट के इरादे से बदमाश आए और लूटपाट के दौरान ही उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, बीजेपी नेता सहित उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। सीधे आपको ले चलेंगे उज्जैन, हमारे से अजय पटवा जुड़ रहे हैं। अजय, कौन है ये बीजेपी नेता जो इनकी हत्या की गई है, क्या सच में लूटपाट के इरादे से हत्या है या रंजिश हो सकती है? इस वक्त मैं घटना स्थल पर हूँ, यहाँ पर जैसे ही आके पता चला कि घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है और सुबह के वक्त की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे थे उसको भी डैमेज कर दिया गया है। अभी पुलिस का यही कहना है कि यदि हार्ड डिस्क बची होगी तो उससे ही रिकवर हो पाएगा कि आखिर घटनाक्रम को अंजाम देने वाले कितने लोग थे, क्योंकि इनका एक बेटा है जो है वो बाहर रहता है और बेटी की शादी हो चुकी है, तो अब ये दोनों ही पति पत्नी घर पर अकेले रहते थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में यही पता चल पाया है कि पूरे घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अभी फिलहाल पुलिस जो है शव का पंचनामा मना रही है। सब पंचनामा मनाने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन रवाना किया जाएगा। इसके बाद यहाँ की जो घटना स्थल है पूरा उसका मौका मुआयना कर और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस चेक करने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है भाजपा के नेता बताए जा रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि इसमें पुलिस किन पहलुओं तक पहुंचती है। फिलहाल अभी ये पूरा जांच का विषय है और घर का सामान बिखरा हुआ बताया जा रहा है अभी। जी बिल्कुल अजय, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी नेता के साथ साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, क्या कोई लूटपाट भी हुई है वहां पर? जी देखिए, अंदेशा यही जताया जा रहा है कि संभवतः ये लूटपाट के इरादे से ही घटनाक्रम हुआ है, पर पुलिस का ये कहना है कि घर में एक तिजोरी रखी थी, उस तिजोरी को किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, बाकी घर का जो सामान है अस्त व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे विषय पर जांच की जाएगी कि क्या इसको लूट का षड्यंत्र रचा गया है या फिर कोई और कारण है जिसको लेकर यह हत्या को अंजाम दिया गया है।
जी। और जिनकी हत्या की गई है अजय, ये भी बताएगा कि उनकी छवि फिलहाल किस प्रकार की है, क्योंकि इससे मुझे लगता है बहुत हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पहले कोई विवाद रहा है। जी देखिए, उनकी छवि यहाँ पर गांव में बड़ी साफ सुथरी रही है, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि मिलनसार व्यक्ति थे, और जिस तरीके से सुबह 4 बजे उठ जाना और रात को 9 बजे सो जाना, ये इनका एक यही दिनचर्या बना हुआ था। फिलहाल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, गांव के लोग भी बड़े सत्ते में हैं जी। और बढ़ती आपराधिक घटना, एक और बड़ा सवाल, अगर लूटपाट के इरादे के बाद यहाँ हत्या हुई है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल सीधे। जी देखिए, लगातार उज्जैन के आसपास में जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पे सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो जिससे घटनाक्रम भी बढ़ रहे हैं, पर जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ रहे हैं तो इसको अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जी। पुलिस किस तरीके से इस पर एक्शन लेगी, क्या कुछ कार्रवाई करेगी, पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक ये साफ हो पाता है कि आखिरकार हत्या के मुख्य कारण क्या है, क्योंकि सवाल फिलहाल अभी यही है कि बीजेपी नेता और उनकी हत्या कर देना, और लूटपाट की आशंका जरूर है, लेकिन वहां पर जो तिजोरी थी जैसा कि अजय बता रहे हैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो अब संदेह और ज्यादा बढ़ चुका है। और चलिए एक बार फिर से शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।